Assalamu alaikum. CS304 object oriented programming 27 last ATM और इसमें ये था कि मेरी लास्ट असाइनमेंट जो स्प्रिंग की थी ये बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती है. इसको जो भेज रहे हैं आपने तो इसकी आईडी के साथ सीपीपी फाइल भेजनी है और तीन क्लासेस बनानी है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो पेरेंट एक होगा और उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ थी वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल फंक्शन बनाने हैं आपने और पेरेंट और दो चाइल्ड बनाने हैं जो कि एक पर्सन क्लास को इनहेरिट कर ले और इसके जो हैं वो फंक्शन लिखे हुए हैं. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसकी पैरामीटर जिसमें नहीं होते ये कुछ डाटा मेंबर यानी इसके हैं. ये असाइनमेंट अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि इधर तक ही मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म तो इसमें स्पेशल पॉलीमॉर्फिज्म है तो जो चीज़ें आपको गाइडलाइन दी हुई है उसके मुताबिक आपने C++ की फाइल जमा करवानी है. कोड पर चलते हैं. कोड जो है इसमें कम से कम लाइंस का कोड कोशिश करना किया हुआ है कि आप जो है वो आयो स्ट्रीम स्ट्रिंग नेम स्पेस ऐड कर लें क्लास पर्सन. मेरी लास्ट असाइनमेंट भी देख लें उसमें भी इसी तरह ही है कि वो जो एक हैंड आउट्स लेक्चर थे और हैंड आउट्स थे डीवीडी थी स्टॉक आइटम था तो सेम टू सेम पिछली दफ़ा वाली असाइनमेंट है. और लाजमी वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए और पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म होगी. तो ये एक टाइम स्टैम्प आपके पास है. डाटा टाइप आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. डाटा टाइप पे ऊपर कोई इशू नहीं है. स्ट्रिंग नेम और उसके बाद इंट एज स्ट्रिंग जेंडर स्ट्रिंग एड्रेस आप इनको छोटा भी रख सकते हैं. एन ए रख लें ए रख लें जी रख लें ए रख लें. तो ये क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं. उसके बाद पब्लिक पब्लिक के अंदर आपने एक ये कंस्ट्रक्टर है इसके साथ मेंशन कर दें कमेंट कर दें कि ये कंस्ट्रक्टर है और इसको आप इनिशियलाइज कर दें सबको जो नाम ऊपर रखे हुए हैं उसी को ही यूज़ करें और इनके साथ कमेंटिंग कर दें. दिस वन इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी. इन सब के गेटर सेटर बनाने थे. गेटर सेटर जो हैं उनके पहले सेट बना लें सारे या हर किसी का सेट और गेट साथ साथ बनाते जाएं. तो ये गेटर सेटर इन सब के बनाने हैं आपके सामने. वाइट सेट एज इंट ए और ए जो है वो अपने क्लास वेरिएबल को असाइन कर दिया है और इस तरह करके आप करते जाएंगे. ये सारे गेट नेम और गेट एज और ये सारी आपने कर देनी है. जेंडर तो एक जैसे ही गेट के अंदर स्ट्रिंग या जो डाटा टाइप होती है उसकी वही रिटर्न टाइप होती है अगर आपने रखा हुआ है. फ़ोन की लॉन्ग है रिटर्न लॉन्ग होगी. ये सबसे कीवर्ड मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपको पेरेंट क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है. ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है लेकिन वर्चुअल है. सेव इन्फो रख लें सेव इन्फॉर्मेशन रख लें सेव डाटा रख लें इसका नाम चेंज कर लें ये उन्होंने कहा था लेकिन वर्चुअल पेरेंट में बनेगा. उसके बाद आप सबके जो डाटा इंटर करना है पेरेंट क्लास के वो सारे डाटा मेम्बर्स का डाटा इंटर कर लें. इंटर नेम जेंडर एज एड्रेस फ़ोन वेरिएबल्स कोशिश करें चेंज करें लाजमी. दूसरा फंक्शन उन्होंने डिस्प्ले का जो कि तीनों क्लासेस में रिक्वायर्ड है तो वर्चुअल वाइड डिस्प्ले इन्फो इसका नाम आप डिस्प्ले रख सकते हैं. सिर्फ इन्फो रख सकते हैं शो रख सकते हैं प्रिंट इन्फो रख सकते हैं कोई भी नाम रख लें. तो ये नाम आपने ये प्रिंटिंग हो जानी है यहाँ पर. और उसके बाद आप यहाँ पे इसको जब प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे आप इनको गेट नेम गेट जेंडर गेट एज गेट एड्रेस गेट फ़ोन नंबर ये भी लिख सकते हैं. तो वो कॉल कर लें जो ऊपर आपने गेटर सेटर बनाए हैं उससे भी गेट वाले फंक्शन से भी आपने कोड चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर लें. यहाँ पे आप गेट वाले जो गेटर हैं वो सारे इधर कॉल कर लें तो इट विल डू योर वर्क. क्लास पेशेंट यहाँ पे क्लास एंड होगी 88 लाइन पे. क्लास पेशेंट और पब्लिक पर्सन ये इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पे लिख दें कि हेयर पेशेंट इज़ इनहेरिटेड पेशेंट इज़ अ चाइल्ड ऑफ द पर्सन क्लास पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है. दो डाटा मेंबर उन्होंने कहे थे सिकनेस और प्रिस्क्रिप्शन और उसमें जो है वो ये कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसकी पैरामीटर ओपन हो जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो एम्प्टी हो उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. यहाँ पे आप इनको इनिशियलाइज करवा दें दोनों स्ट्रिंग है जैसा ऊपर बनाया ना पेरेंट में सेव इन्फो रखा है सेव डाटा रखा है कुछ भी. लास्ट टाइम मेरी असाइनमेंट में सेव डाटा था तो वो भी देख लीजिएगा. तो सेव डाटा
अगर आपने पेरेंट में जो नाम रखा है फिर चाइल्ड में भी सेम रखना, जो वर्चुअल फंक्शन का पेरेंट में था वही चाइल्ड में होना ज़रूरी है। तो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट वन। और फिर यहाँ पे ये पेरेंट को कॉल जा रही है, यहाँ से हम कॉल करेंगे सेव इन्फो तो वो पेरेंट की तरफ मूव करवा देगा। तो ये पेरेंट का रेफरेंस दिया हुआ है जो कि यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जब कॉल होगी पेशेंट के सेव इन्फो को तो साथ में वो ऊपर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी कॉल कर लेगा। बाकी चीज़ें हम इनपुट करवाएंगे, इंटर सिकनेस, इंटर प्रिस्क्रिप्शन, तो वो यहाँ पे हो जाएंगी जो उसके वेरिएबल्स हैं। उसके बाद डिस्प्ले इन्फो, अगेन नाम पे मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पेरेंट में नाम रखा होगा वही यूज़ करें। और ये जी डिस्प्ले इन्फो यहाँ पर कॉल होगी, गेट नेम, गेट जेंडर, गेट एज, गेट एड्रेस, तो वो चीज़ें, दो चीज़ें हमने नई इंटर की हैं, पेशेंट सिकनेस और प्रिस्क्रिप्शन, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्लास एंड हो जाएगी क्योंकि दो ही काम करने को कहे हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेव डाटा और डिस्प्ले। तीसरी काम उस पे मैं तो कहूँगा आप ऊपर वाला अगर लिख लें तो कार्बन कापी पेस्ट कर दें उसको, पेशेंट वाली क्लास को, क्योंकि ये सेम ही है। इसमें स्ट्रिंग एजुकेशन है, लॉन्ग सैलरी है, इसका नाम आप सेल रख लें, एस ए एल रख लें, एस रख लें, ई रख लें इसका नाम, तो स्मॉलर कोई भी नाम रख सकते हैं। एन अगेन इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, डिक्लेरेशन है, प्राइवेट जो है वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम डाटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद पब्लिक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया जहाँ पे इन दोनों को इनिशलाइज किया। और सेव इन्फो अगेन सेम नेम रहेगा, यही पॉलीमॉर्फिज्म की ब्यूटी है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि सेम नेम जो है वो सेम फंक्शन जो है वो मल्टीपल क्लासेस में हो और बिहेव डिफरेंटली करे। पॉली मींस जो है वो पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, तो एक ही फंक्शन डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये सेव इन्फो का फंक्शन कॉल किया हुआ यहाँ से, क्योंकि जो जिसको भी कॉल करेंगे वो यहाँ से ही कॉल चले जाएगी। आप इसी तरह डिस्प्ले इन्फो का भी कॉल कर सकते हैं बजाय रादर देन बार बार लिखने के, तो कम कोड किया जा सकता है। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा आप पर्सन और रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके उनको कॉल कर लें उस फंक्शन को, डिस्प्ले इन्फो को, तो यहाँ पे पर्सन के डिस्प्ले इन्फो को चला जाएगा। आप ये चारों लाइनें ना लिखें बेशक, तो इस तरह उसको भी कॉल चली जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पे शॉर्ट कोड है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, सैलरी, ये चीज़ें हैं। डिस्प्ले इन्फो अगेन यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा की हुई हैं, इनको आप शॉर्ट कर लें, यहाँ पे दोबारा लिख लें तो आपका वो काम बच जाएगा, मतलब एक लाइन से ये चार लाइनों का कोड ख़त्म हो जाएगा। एजुकेशन और सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है और यहाँ पे जी आपकी ख़त्म। और यहाँ से मेन स्टार्ट 160 लाइन पे आपकी तीनों क्लासेस एंड हो रही हैं, मेन स्टार्ट हो रहा है जी। मेन के अंदर जो है वो अब सारी लॉजिक है, रिकॉर्ड, ये मेरी पिछली असाइनमेंट में भी देख लीजिएगा, मैंने रिकॉर्ड कीवर्ड रखा था, काउंट करना है कितनी दफ़ा रिकॉर्ड आपने इंटर किए हैं तो उसको चेक करता रहेगा। सी एच और ओ पी, ये टाइप और ऑप्शन चेक करने के लिए है। ये जो लाइन है 168, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉलीमॉर्फिज्म, जो है वो आपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर आपने जो रिकॉर्ड जितने भी प्रिंट करवाने हैं तो वो रिकॉर्ड जो है उस अरे के अंदर उस पर्सन के बन जाएंगे। आप इस जगह पे पर्सन लिख लें, पी आर रख लें, पी एस एन रख लें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लें, रिकॉर्ड की जगह पे आप आर ई सी रख लें, काउंट की जगह पे सी रख लें या टी रख लें, कुछ भी इस तरह का चेंज कर लें, सी एच और ओ पी की जगह बदल दें, इनको चेंज कर लें, किसी ना किस तरह कोड को लाजमी चेंज कर लें। डू वाइल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एक अप लेबल यूज़ किया हुआ है कि जहाँ पे गो टू की स्टेटमेंट मूव करवाएगी, पेशेंट इनपुट करवाएंगे यहाँ पे आएगा, और अगर तो पी इंटर हुआ तो फिर वो पर्सन क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाए और काउंट में उसकी वैल्यू रख लें, नेक्स्ट जो है वो पर्सन काउंट और फिर सेव इन्फो, तो उसको सेव इन्फो को वो कॉल कर लेगा। सेव इन्फो, जब सेव इन्फो का मतलब सेट मेंबर्स रखने हैं या सेट यानी इनपुट करना है यहाँ पे, तो वो सेव इन्फो का पर्सन का फंक्शन कॉल हो जाएगा।
लेकिन ये चाइल्ड के थ्रू जा रहा होगा, पेशेंट का फंक्शन कॉल होगा पेशेंट से, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पेशेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, ये अपकास्टिंग भी इसको कह सकते हैं। तो ये उस चीज़ को परफॉर्म करवा के फिर जो पेशेंट का ऑब्जेक्ट है, पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि पर्सन के ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, फिर पर्सन के ऑब्जेक्ट से हम पेशेंट का सेव इन्फो कॉल करेंगे, और जितनी दफ़ा हम डाटा इंटर करते रहेंगे वो साथ साथ काउंटर चलता रहेगा। अगर हमने 5 पेशेंट का डाटा है तो 5 दफ़ा काउंट चल जाएगा, हमने वो काउंट यहाँ से इसको गिनना कि ये जो रिकॉर्ड के साथ है आपने रिकॉर्ड कितने इंटर किए हैं, फिर उसके लिहाज से वो काउंटर चलता रहेगा। अगर ये काउंटर रिकॉर्ड से कम है तो फिर वो इनपुट लेता रहेगा। अगर आपने दोबारा इनपुट करने पे एस इनपुट किया तो एस के लिहाज से वो स्टाफ की इंफॉर्मेशन के लिए होगा। यहाँ पे देखें, ये स्टाफ क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा पर्सन की क्लास में, और फिर आपको लग तो रहा है ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है लेकिन एक्चुअली इसमें स्टाफ का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। दिस वन इज अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग कंसेप्ट, तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है कि, और बाय डिफॉल्ट भी ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे पर्सन सेव इन्फो, ये स्टाफ का जो सेव इन्फो का फंक्शन है वो कॉल होगा, और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, जितनी दफ़ा हम जितने स्टाफ मेंबर्स का डाटा इंटर करना है वो काउंट करते जाएंगे, तो काउंटर हमें बता देगा, और अगर हमने कोई गलत लिखा तो इनवैलिड आ जाएगा, और गो टू अप यहाँ से वो उसको वापस फिर कहाँ ले जाएगा, ऊपर वाली लाइन जहाँ पे अप लेबल मैं आपको बता के आया हूँ, और फिर डू यू वांट टू इंटर डाटा यस और नो, तो अगर आप वाई प्रेस करते हैं तो वो आपको दोबारा डू वाइल वाली जगह पे ले जाएगा और वहाँ से स्टार्ट करेगा, और लेकिन उसके लिए आपका काउंट भी चेक होगा कि आपके काउंट की वैल्यू रिकॉर्ड से कम हो, और फिर ही है कि जो आपने शुरू में कहा था इंटर पर्संस तो वो कितने हैं, 1, और इधर भी 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये एंड है, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो नहीं जाएगा ऊपर। तो सीधी सी कहानी है, जब तक काउंट की वैल्यू यानी काउंटर की वैल्यू रिकॉर्ड की वैल्यू से कम होगी तब वो ऊपर जाया करेगा। उसके बाद सिंपल सी है, ये 2 लाइनों से कोड आपका चल जाएगा, इंट के इज़ इक्वल टू 0, के लेस देन काउंट, काउंटर हमारा जो जितना भी चला 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितनी दफ़ा भी था, वो जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे चलेंगे, और फिर पर्संस का जो है वो डिस्प्ले इन्फो कॉल हो जाएगा, और इससे वो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सब के ऑब्जेक्ट के जो है वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देगा, चाहे वो 2 स्टाफ मेम्बर थे और 2 पेशेंट थे। तो ये एक इसको प्रिंटिंग करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप साथ में लेबल कर दें, दिस लूप इज़ यूज टू प्रिंट द पेशेंट एंड द स्टाफ इंफॉर्मेशन। सो डिस्प्ले इन्फो फंक्शन का नाम ऊपर तीनों में चेंज कर लें, तीनों क्लासेस में, तो थोड़े थोड़ी मॉडिफिकेशंस करें, साथ कमेंटिंग करें, तो आप सेफर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। 198 लाइंस का कोड है। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।